मेरे को जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल का रेफरेंस मेरे फ्रेंड के अंकल है, उन्होंने दिया था। उससे पहले मैं दिल्ली में, इवन जयपुर में और भी कई जगह मैंने और डॉक्टर्स को, राइनोप्लास्टी सर्जन्स को, प्लास्टिक सर्जन्स को दिखाया था, बट मैं कभी सेटिस्फाई हुआ ही नहीं उनके आंसर से, या फिर उन्होंने जो मुझे बताया कि वो कैसे ऑपरेट करेंगे, कैसे ठीक करेंगे, बिफोर एंड आफ्टर कैसा रहेगा, मैं कभी सेटिस्फाई हुआ ही नहीं। फिर लास्ट में जब मैं थक गया कि चलो अब मुझे कुछ करना नहीं है, अब छोड़ो ये सब, फिर उसके बाद मेरे फ्रेंड ने मेरे को बताया, मेरे फ्रेंड के अंकल जो है उन्होंने बताया कि एक जयपुर में डॉक्टर सुनील तंवर है, राइनोप्लास्टी सर्जन, एक बार उनसे वो कंसल्ट कर लो। तो ये मैं लास्ट ट्राई था कि ठीक है देख लेते चले जाते एक बार, बट वो शायद से मेरे को लगता है मेरा बेस्ट डिसीजन था। मैं आया उनके पास, उन्होंने मेरे को जिस तरीके से एक्सप्लेन किया और जिस तरीके से उन्होंने मुझे सेटिस्फाई किया कि आपकी नोज़ में ये प्रॉब्लम थी और इस तरीके से हम इसे ऑपरेट करेंगे और ऐसी नोज़ हो जाएगी आपकी, तो मेरे को बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिली। उसके बाद मैंने इसमें और R&D की और मैंने डिसीज़न ले लिया विद इन 5 to 10 days कि मैं अपना नोज़ इनसे ही ठीक करवाऊंगा। मेरे नोज़ में प्रॉब्लम थी, बचपन में कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से एक डॉक्टर ने, ENT सर्जन ने ऑपरेट किया था, जिससे जो मेरे नोज़ के सेंटर में कार्टिलेज या बोन होती है उसको रिमूव कर दी थी, जिसकी वजह से मेरी नोज़ पूरी ब्रॉड और डेविएटेड इधर से, और मतलब एकदम ख़राब दिखती थी, क्रूक नोज़ हो गई थी, टेढ़ी नाक हो गई थी पूरी, जिससे मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता था, कॉन्फिडेंस लेवल एकदम डाउन हो गया था मेरा। फिर उसके बाद अब मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपना राइनोप्लास्टी कराऊँ। उसके बाद मैं डॉक्टर सुनील तंवर जी से मिला, उन्होंने मुझे एग्जैक्टली यही बताया कि आपकी पहले भी ये हो रखा है और आपके इधर ब्लॉकेज भी है और इस तरीके से ऑपरेट होगा, इतना टाइम लगेगा और ऐसा नोज़ हो जाएगा, और एग्जैक्टली वही हुआ। आज मेरे नोज़ में अब कंप्लीट हो चुकी है, जो भी प्लास्टर था सब अब कंप्लीट हो गया है, और अब मैंने अपने आप को देखा है तो बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ, एकदम कॉन्फिडेंट, और लग रहा है कि हाँ मेरी नोज़ एकदम सही हो चुकी है।